दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, एयर इंडिया में बिना रिटन टेस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों, वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है दोस्तों। एयर इंडिया में आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन और मेडिकल के तौर पे आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, बिना रिटन टेस्ट के। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे आप करियर पे चले जाइए, यहाँ पे मैं पहले ही करियर क्लिक कीजिए तो इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं गोल कर देता हूँ, वॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन चेन्नई लोकेशन पे दिया गया है दोस्तों। चेन्नई में अगर जॉब करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वहाँ पे बड़ी वैकेंसी निकला हुआ है, वॉक इन इंटरव्यू निकला हुआ है। इससे पहले बेंगलुरु में निकला हुआ था दोस्तों, जो 19/12 को ख़त्म 19/12 को निकला हुआ था और लास्ट हुआ था 5 जनवरी को लास्ट होगा दोस्तों। इसको भी आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट 4 MB का है, इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इससे पहले भी निकला हुआ है दोस्तों, यहाँ पे किसी और का निकला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 जनवरी को लास्ट डेट है, पूरा देख सकते हैं दोस्तों इसके वेबसाइट में विजिट करके। मुंबई में भी निकला हुआ है, सब वॉक इन इंटरव्यू है दोस्तों। इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप देख सकते हैं बहुत सारा, इसका 1/1/2019 अब सबका डेट है दोस्तों। लेकिन मैं अभी आज चेन्नई वाला बताने वाला हूँ दोस्तों, चेन्नई वाला बहुत अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हैं दोस्तों। मैं पूरा डिटेल्स में बता देता हूँ दोस्तों, बड़ा फॉर्म है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अंत तक बने रहिए दोस्तों। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका निकला हुआ 3 साल के लिए दोस्तों, अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आगे रखा भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट 1 जूनियर एग्जीक्यूटिव का निकला हुआ दोस्तों, यहाँ 9 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया, ग्रेजुएट मांगा गया है, कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, जो 10+2+3 पैटर्न होना चाहिए, और साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कोई भी एरिया से, जैसे कि फेयर्स होता है, रिजर्वेशन टिकटिंग से, कंप्यूटराइज पैसेंजर चेकिंग से, या कार्गो हैंडलिंग से, इससे मांगा गया है, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए, MBA के साथ होना चाहिए, और 10+2+3 से रिलेटेड तो अंडर पैटर्न वाला यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर उसके बराबर कोई 2 साल का होता है फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, या 3 साल का पार्ट टाइम कोर्स होना चाहिए, विथ होता थिनी, और 3 साल का एविएशन एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी फील्ड से, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ फेयर्स होता है, रिजर्वेशन टिकटिंग, कंप्यूटराइज पैसेंजर चेक इन, कार्गो हैंडलिंग, ये सब होना चाहिए। और इसमें एज लिमिट दिया गया है, जैसे कि जनरल के लिए 28 साल दिया गया, बॉर्न बिटवीन 2 दिसंबर 1990 से 1 दिसंबर 2000 के बीच जन्म होना चाहिए। OBC के लिए 31 साल दिया गया, इसे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब ज़्यादा मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा दोस्तों, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा वेबसाइट में विजिट करके। ये तो एयर इंडिया का वेबसाइट है दोस्तों, और इसमें आपको जो सैलरी 25,300 दिया जाएगा, उसके बाद दूसरा पोस्ट है दोस्तों, बहुत सारे पोस्ट है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। और इसमें क्वालिफिकेशन 4 पोस्ट है दोस्तों, क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चाहिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और आपके पास होता नहीं क्या होता ये होता हल्का और भारी तो गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है दोस्तों, जो 12 मंथ से पहले बना होना चाहिए, ये 12 मंथ उसका टाइम होना चाहिए, और मतलब प्रिफ्रेंस उसी को दिया जाएगा जिसमें क्या था एविएशन एक्सपीरियंस होगा। और इसमें भी एज लिमिट देख सकते हैं, 28 है जनरल के लिए, OBC के लिए 31 है, ST/AC के लिए 33 है, और 25,300 इसका ग्रॉस तो सैलरी मिलेगा, ग्रॉस सैलरी मिलेगा दोस्तों 25,300, तो इन हैंड लगभग आपको 22-23 हज़ार मिल ही जाएगा दोस्तों। और कस्टमर एजेंट के लिए 155 बड़ी है दोस्तों, इसका वॉक इन इंटरव्यू सबका वॉक इन इंटरव्यू है, तो 155 पोस्ट बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों आज की डेट में। इसमें आपको देख सकते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए, 10+2+3 सबके लिए होता है, 10+2+3 पैटर्न होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का, क्योंकि कस्टमर एजेंट का काम अधिकतर ये कस्टमर केयर टाइप का ही होता है, मतलब टिकट वगैरह काटने वाला होता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा जो डिप्लोमा किया है, जैसे बहुत सारे कोर्स है, IATA, UFTA और ये FIATAA, इस सब से मांगा गया, कार्गो से मांगा गया, और किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि वही बता दिया था, रिजर्वेशन टिकटिंग, कंप्यूटराइज पैसेंजर चेकिंग वगैरह। और इसमें भी एज लिमिट सबका लगभग वैसे दिया गया, और सैलरी इसमें 20,190 रुपया दिया जाएगा। और चौथा पोस्ट है सीनियर रैम सर्विसेज एजेंट वाला है,
तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में मांगा गया, और या फिर ITI होना चाहिए, NCVT से होना चाहिए, 3 साल वाला होना चाहिए, या फिर मोटर व्हीकल में ऑटो, इलेक्ट्रिकल या एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिकल या बेंच फिटर या वेल्डर में होना चाहिए दोस्तों। अगर आप वेल्डर से ITI किए हैं तो उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है। और आफ्टर पासिंग होता है, 10th होता है, उसके बाद लिखा गया हिंदी इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज में, हिंदी लोकल लैंग्वेज होना चाहिए दोस्तों, हिंदी इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज से अगर आप 10th पास किए हैं, ये पूछा गया दोस्तों। आप प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा जो लोकल लैंग्वेज जानता है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है दोस्तों चेन्नई का है, तमिलनाडु का, चेन्नई एयरपोर्ट का है। तो अगर आप कितना भी अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, अगर आपके सामने आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आपके सामने एक बंदा तमिल वाला आ जाता है, तो तमिल वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसे लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ लोकल लैंग्वेज मांगा गया और तमिलनाडु का लोकल लैंग्वेज तमिल ही है, तो तमिल आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और यहाँ पे लाइसेंस वगैरह भी मांगा गया है, और पुलिस विल नॉट बी कंसिडर्ड होता है ये वगैरह लाइसेंस मांगा गया, और एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ रैम सर्विसेज वगैरह में उसी से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर और में मांगा गया है मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक इक्विपमेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल, ये सब मांगा गया, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, सैलरी 20,000 से 20,000 लगभग मिलेगा, 20,290 रुपया। अब पाँचवा पोस्ट है दोस्तों रैम सर्विसेज एजेंट का, तो इसमें क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, वो भी क्या होता है रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, और इसमें ITI होना चाहिए दोस्तों अलग से, मतलब क्या और में मांगा गया ITI NCVT होना चाहिए, 3 साल वाला होना चाहिए, मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशन, डीजल मैकेनिक और बेंच फीडर में होना चाहिए, और वेल्डर में उसी तरह से 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी तरह से मांगा गया है, और वही मतलब कंडीशन लगाया गया है। तो 10th पास होना चाहिए हिंदी इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज से, इस तरह से मांगा गया, और हैवी ये मतलब हल्का और भारी वाहन का लाइसेंस मांगा गया है दोस्तों, और 20,190 रुपया मिलेगा इसमें। और छठे नंबर पे यूटिलिटी एजेंट का निकला हुआ दोस्तों, रैम ड्राइवर वाला निकला हुआ, इसमें 10 पोस्ट है, मिनिमम 10th पास होना चाहिए दोस्तों, और हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 18,000 मिलेगा दोस्तों, 18,360 रुपया। और सातवां पोस्ट है हैंडी मैन और हैंडी वुमेन, यानी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मैन और वुमेन, और इसमें 147 पोस्ट है दोस्तों, 10th पास होना चाहिए, और आपका हिंदी रीड एंड इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज ऑफ लोकल, इसमें दोस्तों आपका लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश और हिंदी ये तीनों मतलब पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, सब आना चाहिए तीनों में। आपको 16,590 रुपया मिलेगा, और एज लिमिट वही है दोस्तों, और इसका वॉक इन इंटरव्यू में दिखा देता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का वॉक इन इंटरव्यू 3 जनवरी को हो जाएगा दोस्तों, 9 से 12 बजे के बीच होगा, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, जैसा मैं बताया था रिटर्न एग्जाम किसी में भी नहीं होगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल दोनों में सेम ही दोस्तों, दोनों 3 तारीख को होगा, और सिलेक्शन प्रोसेस वही है। अगला है सीनियर रैम सर्विसेज एजेंट और रैम सर्विसेज एजेंट दोनों का इंटरव्यू 4 जनवरी को होगा दोस्तों, 9 से 12 के बीच, इसमें स्क्रीन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, मतलब जो आपका क्वालिफिकेशन है उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा दोस्तों, और ड्राइविंग लाइसेंस होना, ड्राइविंग टेस्ट भी किया जाएगा आपका, और मेडिकल एग्जामिनेशन तो सब में होगा ही होगा, और उसके बाद यूटिलिटी एजेंट का रैम ड्राइवर और कस्टमर एजेंट का उसमें 4 तारीख को लिया जाएगा, मतलब पहले स्टार्ट होगा, मतलब 3 को, उसके बाद चार को ही लिया जाएगा यूटिलिटी एजेंट वाला रैम ड्राइवर का, और उसके बाद कस्टमर एजेंट और हैंडीमैन हैंडी वुमेन का 5 जनवरी को होगा, 9 से 12 के बीच, सबका डेट टाइम वही है, और इसमें स्क्रीन टेस्ट होगा दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और हैंडीमैन वाला में स्क्रीन टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, और एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, ये 6 जनवरी को होगा, इसका वॉक इन इंटरव्यू होगा, और 9 से 12 के बीच में ही होगा, और इसका जो एड्रेस दिया गया है दोस्तों, एयर इंडिया स्टाफ हाउसिंग कॉलोनी मीना बाकम चेन्नई, यानी चेन्नई एयरपोर्ट में ही होगा दोस्तों, मीना बाकम में ही है चेन्नई एयरपोर्ट, तो वहाँ पे होगा दोस्तों, वहाँ पे आपको जाना होगा, और उसके लिए आपको कोई भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा, आप अपना खुद का अरेंजमेंट करना होगा दोस्तों। अगर आप इस वैकेंसी को अचीव करना चाहते हैं तो दोस्तों
आप जाके वहाँ पे अचीव कर सकते हैं, वहाँ पे जाके वाकई इंटरव्यू भी इंटरव्यू दे सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट 1 दिसंबर, इस वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं एयर इंडिया के वेबसाइट में दोस्तों। और ये वॉक इन पर्सन है दोस्तों, वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू वगैरह होगा, 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा दोस्तों। एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के नाम पे, आपको लगता होगा ये चेन्नई में इंटरव्यू हो रहा है, मुंबई पे क्यों, ये फेक लगता होगा, लेकिन ऐसा फेक नहीं है दोस्तों। ये मुंबई उसका मेन ऑफिस है दोस्तों, हेड ऑफिस मुंबई में है। जैसा कि मैं शुरू में बताया था कि इसका अलग अलग लोकेशन पे वैकेंसी निकला हुआ है, अलग वॉक इन इंटरव्यू, जैसे चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, ये हर जगह हो रहा है दोस्तों इसका वॉक इन इंटरव्यू। तो आप जाके देख सकते हैं और अपने साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, और उसका एक एक जेरोक्स कॉपी भी लेके चले जाइएगा, और ये फोटो कॉपी वगैरह भी सबका यानी जेरोक्स लेके चले जाइए। और ये ओबीसी, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो नन क्रीमी लेयर का बना के लेके चले जाइएगा। और यहाँ जनरल कंडीशन है दोस्तों, ये 3 साल का ही फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और इस प्रकार की अगर रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे विजिट करके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और डेली हमारा वीडियो सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच पाते रहिए। तो जय हिंद।